macho negro dicha que yo bueno tú vay y eso más en algo de que amar el del macho tú eres infatuación lo que te infatuación ¿no sabes ya? Sir, I think अभी तो सिर्फ इंफैटुएशन ही होती है किसी ने खूबसूरती की तरफ एक कशिश होती है इसको मैं कहता हूँ एक अनोखी कशिश एक अनजाना एहसास तो मैं जब आपकी उम्र में था तब की बात कर रहा हूँ मैं छोटा था मासूम थी उम्र मेरी वो क्या थी पता नहीं पास जाने को जिसके साथ बैठने को जिसके जी चाहता था वो तालिबा थी आठवीं की मैं छठी में पढ़ता था हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी नाम हमीदा था यूं ही मुस्कुरा देती मैं पास चला जाता वो चुप रहती मैं सर झुका लेता पांव के अंगूठे से जमीन को रेतता रहता वो गुस्ती क्यों मुझे सवाल नहीं हो क्या ना दे काफी मैं हल्की दे दूँ सवाल पे और देते हुए काफी लम सुनने पर उसकी छू जाता यानी क्या है वो गुस्ती कुछ और थी मैं कहीं कुछ और जाता वो फिर चुप हो जाती मैं फिर सर झुका लेता वो कहती उदास मत हो अभी वक्त है तेरे इम्तहान में सब ठीक हो जाएगा फिर कभी कोई सवाल हलना हुआ सुनते आना मैं हल कर दूंगी सवाल पे तो कहती हूँ चली जाती मैं देखता रहता ओझल हो जाती मैं सोचता रहता ये सवाल क्या है यार ये अनोखी कोशिश ये अनजाना एहसास उसका मतलब क्या है कुछ बोलते फिर कुछ से कहता कि हमीदा जिस दिन सवाल का मतलब समझ आ गया हल के लिए चला हूँ मैं जो चीज भी सुना रहा हूँ इस दौर से भी गुजर गए हम सब लेकिन मैच्योरिटी में एक चीज होती है ऐसा ऐसा आ ही जाती है तो ये मैंने आपको थोड़ा एंटरटेन किया कि आई मैं एंटरटेनर टू मैं स्पीच करने वाला मैं लीडर नहीं हूँ मैं उन बच्चों को स्टेज पे देखा जब काम करती हुई तो लगा ये रबड़ के बने हुए अगर मुझे कहीं इस तरह का डांस करना पड़े तो मैं डांस को नचाने लगूँगा और इससे पहले जो बहुत ही सबक नामों से प्ले किया गया है उसमें दोस्ती मित्रता प्यार सब कुछ था